यस माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार, यहाँ पर आज मैं आपको बालकों बताऊंगा आज का आपका डीलाइट फोर्थ सेल के बच्चों, और आज आपका पार्ट नंबर 12 है हिंदी स्टोरी के नाम से, हिंदी कहानी के नाम से। तो आप लोगों को पता है कि हिंदी की जो स्टोरी जो है, कहानी जो है, वह हिंदी साहित्य की सबसे प्राचीन और सबसे ज़्यादा विस्तृत विधा है। और कहानी की कहानी मनुष्य के इतिहास के लिए के साथ ही प्रारंभ हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि प्राचीन काल से ही प्रकृति के संपर्क और घूमने फिरने की जो वृत्ति के कारण मानव मन की जो प्रतिक्रिया स्वरूप कहानी क्रमशः संकेत और कहने कहने के रूप में, कहने और आपके सुनने के रूप में विकसित हुई। यानी कि मैं अपनी कोई बात आपसे कहूँ, आप अपनी कोई बात मुझसे कहें। तो सबसे पहले जो कहानी का जो ढंग रहा वह केवल रहा कि हम केवल कहानी को बोल करके ही बताते थे मौखिक रूप से, है ना। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब मौखिक रूप से फिर हमने कहानी को धीरे धीरे लिपिबद्ध यानी कि पुस्तकों में कहना हमने शुरू कर दिया। और ये वो समय, आज का जो दौर है, यहाँ के दौर में आप ये देखते हैं कि हिंदी कहानी के दो प्रकार हमारे पास में हैं। पहला आपका है मौखिक, दूसरा आपका है लिखित। और यही बात के पीछे आपके एक पाश्चात्य विद्वान है, आपके E.M. फॉस्टर साहब। फॉस्टर साहब ये कहते हैं कि कहानी मनुष्य की आदिम अवस्था से संबद्ध है। यह तब उत्पन्न हुई थी जब मनुष्य ने पढ़ना भी नहीं सीखा था, और यह साहित्य के मूल उत्पन्न हो रहे थे। इसलिए कहानी आदिम प्रवृत्तियों को ठीक करती है। वस्तुतः कहानी जीवन की सबसे निकटतम विधा है, इसलिए यह साहित्य की केंद्रीय। मतलब फॉस्टर साहब ये कह रहे हैं कि हिंदी स्टोरी जो है वह संपूर्ण मानव के बहुत ही पास है, क्योंकि आप ये देखते हैं कि जब बालक पैदा होता है तभी से उसकी नानी नाना चाचा चाची दादी बाबा सब लोग वो कहानियों के माध्यम से बातें बताते हैं, और बच्चा भी बड़े ध्यान से उसको ध्यानपूर्वक उस पर विचार करता है। तो कहने का मतलब है कि हिंदी गद्य साहित्य जो आपका जो है गद्य साहित्य की लोकप्रिय विधा है, तथा इसकी परिभाषा के संबंध में विद्वानों में कोई सिंगल विचार नहीं, एक विचार नहीं है, एक मत नहीं है। यहाँ हम जितने भी पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने अपने विचारों को प्रकट किया है, सबसे अच्छा विचार उनमें कौन सा है, तो आज हम इस बात पर बात करेंगे। और कहने का तत्पर है कि कहानी शब्द आपका संस्कृत के था शब्द का ही एक रूप है, और विषय वस्तु आपकी रचना शैली और उसके रूप और तत्वों को दृष्टि में धरकर भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने इसे परिभाषित किया है। और कैसे कैसे परिभाषित किया है यह हम आपको दो चार उदाहरणों के माध्यमों से बताएंगे। सबसे पहला उदाहरण आपका है भारतीय मत कि मतलब कहानी के संबंध में भारतीय जो हिंदी साहित्यकार हैं, विद्वान हैं, वह क्या बात कहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं आपके हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार हैं बाबू गुलाब राय जी। वह कहते हैं कि कहानी भारत की पुरानी गाथाओं की संस्कृति है, किंतु विदेशी संस्कार लेकर के आई है। मतलब क्या है कि कहानी पहले प्राचीन से प्राचीन भारत में जो गाथाएं बोली जाती हैं उनका ही एक रूप है, लेकिन जब यह भारत में आई तो इसमें हमको पाश्चात्य जो था वो पुट देखने को मिला। ये बात कहते हैं बाबू गुलाब राय। एक दूसरे भारतीय विद्वान आपके जैनेन्द्र, वह कहते हैं कि यह तो एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती रहती है, और यहाँ हमारे जो सवाल होते हैं, शंकाएं होते हैं, हम ही उनका उत्तर खोजने का पाने का सही प्रयास करते रहते हैं। और स्टोरी जो है कहानी यही प्रयास का एक उदाहरण है कि हम मतलब
मनुष्य में एक भूख पाई जाती है कि मैं अपनी बातों को, अपनी स्टोरियों को, कहानियों को, जो उसके जीवन में बीत चुका है, वह उन सभी बातों को बताए और बताने के बाद मैं उनका एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। और यह जो ढूंढने का जो प्रयास है, यह स्टोरी ही कही जाती है, कहानी ही कही जाती है। अच्छा, कहानी एक ऐसी विधा है जिसमें जीवन के किसी एक भाग के मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य हो और उसकी शैली, चरित्र और कथानक उसी के भाव की पुष्टि करते हों। ये बात कहने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद साहब। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि कहानी का आदमी की, व्यक्ति की लाइफ का एक कोई सा भाग का एक छोटा सा वाक्यांश हो और वह उसमें कोई ना कोई सीख भी हमको देता हो, और यही सीख हमको कहानी के रूप में प्रस्तुत की जाती है। सेकंड आपका मत है पाश्चात्य मत। पाश्चात्य मत क्या है कि पाश्चात्य विद्वानों ने क्या कहा है? पाश्चात्य विद्वान कहते हैं कि कहानी एक लघु वर्णनात्मक गद्य रचना है जिसके वास्तविक जीवन की कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और कहानी का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन होता है। कि मतलब कहने का मतलब है, कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट है, कि यह मानव समाज का बहुत अधिक एंटरटेनमेंट करता है। तो यह क्या है कि यह एक शॉर्ट में वर्णन करती है, एक गद्य साहित्य की विधा है जिसमें वास्तविक जीवन को हम पात्रों और संवादों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, एक दूसरे आपके H.G. वेल्स साहब हैं, वो कहते हैं कोई भी कथात्मक आपकी रचना जो सहजता से 20 मिनट में पढ़ी जा सके, कहानी कही जाती है। मतलब कोई भी ऐसी विधा, कोई भी ऐसी प्रकार जिसको कि हम 20 मिनट में पढ़ सकते हैं, वह कहानी ही कही जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमने पाश्चात्य विद्वानों के विचार सुने, हिंदी विद्वानों के विचार सुने, तो ये है कि ये सभी विचार ये कहते हैं कि भारतीय और पाश्चात्य के मत भिन्न भिन्न सही माना, लेकिन पाश्चात्य विचारकों ने जहाँ टाइम को आधार मानकर कहानी को परिभाषित किया, वहीं भारतीय विद्वानों ने उसको पुरानी स्टोरियों की, पौराणिक कथाएं, गाथाओं की एक भाग माना, और जिसमें जीवन के शंकाओं और समाधान को खोजने की जिसमें ताकत है, और ये प्रकार से कोई भी विचार कहानी को पूर्ण रूप में परिभाषित नहीं करता। वस्तुतः कहानी वह विधा है जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण और जो भी बातें बीत चुकी हैं उनके माध्यम से मानव या समाज किसी आदर्श, चरित्र, भाव या गुण विशेष को शॉर्ट एवं कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब किसी भी मानव समाज की किसी भी भाग को हम उसको बहुत ही शॉर्ट रूप में और कलात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं। तीसरी आपकी जो हेडिंग है वह है कहानी का महत्व, हम बालकों को कहानी का ज्ञान क्यों दें। तो सबसे पहली है, इसमें पॉइंट है कि साध्य के रूप में कहानी का महत्व, साधन से बनाए साध्य, तो जो साध्य है हम उस साधन के रूप में कहानी को कैसे देखते हैं। तो साध्य के रूप में कहानी पाठकों का एंटरटेनमेंट करती है और उन्हें सौंदर्य का भान भी कराती है, मतलब सौंदर्य के बारे में बताती है, और उनकी जितनी मन की शंकाएं, जिज्ञासाओं को भी शांत करती है, और जीवन संबंधी जितने भी आपके मिस्ट्री होती हैं, छुपी हुई बातें होती हैं, उनको भी सामने लाती है, तथा ज्ञान, संदेश और उपदेश भी प्रदान करती है, ताकि मनुष्य उससे कुछ सीख करके अपने जीवन को सफल बना सकें। यह पाठकों का चरित्र भी बनाती है और यह बालक की कल्पना शक्ति को भी बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप देती है, और साथ ही साथ बालकों में तर्क और वितर्क करने की भी क्षमता का विकास करती है। अगर हम कहानी को साध्य के रूप में पढ़ रहे हैं या साध्य को हम कहानी के रूप में उसको दिखा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 आपका कहता है कि साधन के रूप में स्टोरी का महत्व, कहानी का महत्व। तो साधन के रूप में
कथाओं का विशेष महत्व है। सामाजिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल आदि विषयों के ज्ञान का बोध के लिए और उनको प्रभावशाली बनाने के लिए कहानी को कहना महत्वपूर्ण भूमिका माना जाएगा। साथ ही गद्य और पद्य के शिक्षण में स्पष्टीकरण की दृष्टि से भी कहानी तथा दूसरी गाथाओं का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर हम इसको साधन के रूप में कहानी को समझें, पहले तो जो साधन का जो एक रूप है साध्य, क्या हम उसको कैसे साधे, वो रूप में कहानी का महत्व, और दूसरा आपका साधन के रूप में कहानी का महत्व, तो ये दोनों आपको बता दिए। अच्छा, फिर क्या है कि पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में कहानी का ज्ञान हम बच्चों को कैसे दें, तो कहानी पाठ के कई रूप हैं, यथा गहन है कहानी पाठ, द्युत पाठ, मौखिक पाठ, आपका रचना पाठ, संवाद पाठ आदि। मतलब द्रुत पाठ से मतलब है कि सहजता से किसी बात को शीघ्रतम से शीघ्रतम पढ़ना, मौखिक पाठ से है कि कहानी को बोल करके पढ़ना, तीसरे अब रचना पाठ से कहानी को पहले स्वयं बनाना और फिर उसका पाठ करना, और संवाद पाठ से मतलब है कहानी के डायलॉग्स को याद करते हुए उनका वाचन करना। और किंतु प्राथमिक कक्षाओं में कहानी शिक्षण के मौखिक पाठ रूप को बनाना चाहिए। मतलब अगर प्रारंभिक आपकी हैं 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बालकों की अगर आपकी कक्षाएं हैं, तो आपको मौखिक रूप से बच्चों को कहानी के बारे में बताना चाहिए, और संवाद प्रधान कहानियों में संवाद पाठ को अपनाया जा सकता है, और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी कहानी के ज्ञान के लिए द्रुत पाठ का भी आश्रय लिया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है कहानी पढ़ाने और आपके सुनाने का क्या उद्देश्य होता है। तो कहानी को बताने और उनके बारे में वर्णन करने के कई सारे उद्देश्य होते हैं जो कि पॉइंट्स के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। वह पहला पॉइंट है कि स्वस्थ एंटरटेनमेंट प्रदान करना। मतलब हम लोगों का सही मनोरंजन करते हैं कहानी के माध्यम से। दूसरा है कोई भी उपदेश या ज्ञान देना। ये बात बताती है कि जब हम बालकों को कहानी का ज्ञान देते हैं तो बालकों को कोई ना कोई सीख या कोई ना कोई उपदेश की प्राप्ति होती है। पॉइंट नंबर 3 है कि स्पष्ट और तर्कसंगत ढंग से विचार को प्रस्तुत करना, कि हम बिल्कुल साफ तरीके से और बिल्कुल जायज तरीके से हम अपने विचार को प्रस्तुत कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि बालकों को कल्पना शक्ति के प्रयोग के मौके प्रदान करना, कि बालक अपनी सोच के जो दायरे हैं उनको कितना ज़्यादा विस्तृत पाएंगे कर, यह भी मौके हम बच्चों को कहानी के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 है कि ज्ञान को सहज और एंटरटेनमेंट रूप में प्रस्तुत करके छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करना, कि बालकों को सहज और बहुत ही अच्छे प्रकार से रोचक तरीके से हम उनके छात्रों को ज्ञान के ज्ञान का जो कोश है उसमें हम वृद्धि करते हैं। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि छात्रों में भाषा एवं कथा साहित्य के प्रति जिज्ञासा को जागृत करना, आपकी रुचि को जागृत करना, कि छात्रों में भाषा और कथा साहित्य के प्रति, देखिए ये जो पॉइंट है ये आपकी पूरी पुस्तक में बार बार प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 है कि छात्रों को संवेगों के लिए प्रशिक्षित करना। संवेग आपके होते हैं सुख दुख, हर्ष विषाद, काय कलेश, ये सब संवेग हैं जो कि आपके मन और उससे भावों से प्रकट होते हैं, तो ऐसे संवेगों के बारे में भी बच्चों को जानकारी देना। पॉइंट नंबर 8 कहता है कि छात्रों के सामने व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार के आदर्श प्रस्तुत करना, कि हम छात्रों को कहानी के माध्यम से बताते हैं कि हमारा जो दायरा है, हमारा जो समाज है, वहाँ पर कितने सारे ऐसे लोग सामने आए हैं जिन लोगों ने मानवीय समाज के लिए और सामाजिक काम के लिए बहुत ही आदर्श अपने आप का रूप प्रस्तुत किया है।
पॉइंट नंबर 9 है कि हृदय के भावों को सूचीबद्ध तर्क पूर्ण श्रृंखलाबद्ध एवं स्पष्ट व्यक्ति के साथ प्रस्तुत करना, कि हम कहानी को स्टेप बाय स्टेप सूचीबद्ध तरीके से हम उसको प्रस्तुत कर सकें जो भी मन में हमारे भाव पैदा हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 10 कहता है कि छात्रों को साहित्य स्वाद और सौंदर्य परिचय को हृदयंगम करवाना, कि छात्रों को साहित्य का भी स्वाद पता लगे और साहित्य का जो सौंदर्य है वह उनके हृदय में वह धारण हो सके, वह उनके हृदय में वास कर सके, तो यह भी कहानी का उद्देश्य है। पॉइंट नंबर 11 कहता है कि बालकों को मानसिक चारित्रिक और उनका नैतिक विकास करना, कि हम कहानी के माध्यम से बालकों का मानसिक विकास करते हैं, चारित्रिक विकास करते हैं और उनका समाज में जीने के लिए कैसा वो अपना आदर्श रूप प्रस्तुत करें यह भी हम विचार करते हैं, है ना। तो अच्छा, तो ये था आपका कहानी पढ़ाने का और कहानी को ज्ञान देने का क्या उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट आपका है कहानी का चयन, पॉइंट नंबर 5 आपका है कहानी चयन, कि जब हम बालकों को कहानी का ज्ञान दें तो हमको कैसी कहानियों को एकत्रित करना चाहिए, चूज करना चाहिए, चुनना चाहिए। तो सबसे पहले है कि बालकों को कहानी का ज्ञान देने के लिए हमको निम्नलिखित बातों का ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहली बात है कि हम बालकों के लिए वह कहानी को देखें कि जिसमें बालकों की योग्यता उनकी, किसी भी चीज़ को जानने की शक्ति उनकी और बालकों की कितनी उम्र है, ये सब बातों को देखते हुए हमें कहानी को बताना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि कहानी की विषय वस्तु बालकों के वातावरण और जो भी बालकों अनुभव प्राप्त किए हैं उनके साथ ही साथ उनसे मेल करते हुए कहानी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि कहानी हास्य विनोद मनोरंजन ज्ञानदायक और दुखान होनी चाहिए, एक कहानी मतलब लास्ट में जो है जब वह खत्म हो तो सभी पात्र अपने सुख चैन से विदा हों और वह आपका एंटरटेनमेंट करे, हंसाए आपको, आपको मनोरंजन करे और आपको कोई ना कोई ज्ञान की सीख दे। अच्छा, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वह कहता है कहानी को बताने वाले शिक्षक के लिए आवश्यक गुण, कि मतलब जो मतलब व्यक्ति कहानी का ज्ञान दे रहा है उसके भीतर कितनी योग्यताएं होनी चाहिए ये बात भी हमको पता होनी चाहिए। तो ये भी आपको हम क्योंकि कहानी बोल करके बताना भी एक प्रकार की आपका हुनर होता है और अगर किसी व्यक्ति को कहानी को बताने का ज्ञान नहीं है तो कहानी के हम भाव तक नहीं पहुंच सकते। और इसलिए हमें चाहिए कि जो व्यक्ति कहानी के बारे में बता रहा है, हमको कहानी हमको सुना रहा है, उस व्यक्ति में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला है कि स्वयं प्राध्यापक को कहानी में जिज्ञासा हो, वह खुद कहानी को पसंद करता हो और जब वह कहानी को बोले शुरू करे तो वह उसमें पूर्ण रूप से डूब जाए। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि कहानी प्राध्यापक की कहने की विधि ऐसी हो कि कहानी बालकों का जो दिल है उसके भीतर तक जा सके, उनका जो साहित्यिक जो मर्म है उसको देख सके। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि प्राध्यापक की कहानी को बताने की जो गति है वह न तो बहुत ज़्यादा तेज हो और न बहुत ज़्यादा धीमी हो। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि प्राध्यापक की भाषा सहज सुबोध और प्रभावपूर्ण हो और उसमें यति और गति, मतलब जो भी व्यक्ति कहानी का ज्ञान दे रहा है उसकी भाषा एकदम सिंपल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए और उसमें एक लय हो और लय के साथ साथ कहाँ पर उतार हो, कहाँ पर उसका चढ़ाव हो, तो ये भी बातें प्राध्यापक को ध्यान में रखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि प्राध्यापक का स्वर और
आंगिक चेष्टाएं स्वाभाविक हो, कि प्राध्यापक का जो स्वर है वह भी बहुत अच्छा हो और उसके हाथों की मुंह की जो मुद्राएं हैं वह भी कहानी से ही संबंधित उसको प्रदर्शित करती हो। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि शिक्षक को कहानी की कथा वस्तु इंटरेस्ट हो और वह कहानी को बताने के लिए पाठ्यपुस्तक का सहारा ले, कि मतलब जो व्यक्ति भी कहानी को बता रहा है वह पाठ्यपुस्तक के सहारे से ना बताए, उसको वह कहानी याद होनी चाहिए और वह याद होते ही कहानी को बता सके। पॉइंट नंबर 7 कहता है कहानी को बताते समय कठिन मुहावरे या उपोक्तियों का सहारा न हो, नेता कहानी का जो ज्ञान है योग्यता है वह बहुत ही ज़्यादा बाधित होगी। मतलब जैसी कहानी चल रही है हमें वैसी ही कहानी बतानी चाहिए, हमको उसमें अपने पास से सूक्तियाँ रूपोक्तियाँ और मुहावरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आज मैं आपको पार्ट नंबर 12 में ना ही बताऊँगा, नेक्स्ट डे आपका ये पार्ट संपूर्ण हो जाएगा, कहानी को बताने की विधियाँ, कहानी के ज्ञान की रूप और छात्रों से कहानी को कहलवाना और कहानी के सोपान, ये सब बातें आपको हम कल दूसरी वीडियो में बताएंगे। तब तक जो घर है आप लोग रहें, विश्राम करें, आराम करें और 30 अक्टूबर से आपकी परीक्षाएं हैं तो उनकी तैयारी करें। बहुत बहुत आभार आपका बच्चों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बाय।